वर्धा कोर्टरूम में मारपीट और चाकू मारने की खबर का निषेध करते हुए गुरुवार को डीबीए और महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल की ओर से उपरोक्त मुद्दे पर न्याय मंदिर भवन नागपुर की भूतल लॉबी में एकत्रित हुए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस संपूर्ण घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस विषय पर एक ज्ञापन कलेक्टर को भी दिया। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं। हाल ही वर्धा कोर्ट में एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में अपना कड़ा निषेध दर्ज करते हुए डीबीए और महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल की ओर से उपरोक्त मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए गुरुवार को न्याय मंदिर भवन नागपुर की भूतल लॉबी में आए। इस दरमियान मौजूद लोगों ने इस संपूर्ण घटनाक्रम का विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं का होना कोर्ट में वकीलों की सुरक्षिता पर कई सवाल या निशान खड़े करता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लेडी लॉयर्स बार काउंसिल ने तुरंत जो इसका निषेध किया है वो घटना का एडवोकेट मून के ये स्तुतिपूर्वक घटना है। इन्होंने जो अभिनंदनीय स्टेप्स इन्होंने ली है, मगर एक बात इसमें ये है कि जो सबको जज रही है कि एक लीगल एड में काम करने वाले लॉयर के तरफ जिस तरह से एक्यूज देखता है और हमला करता है वो बहुत ही गलत बात है। और इसलिए क्वेश्चन अभी हुआ, अभी तक स्त्रियों के सिक्योरिटी का क्वेश्चन हुआ, तर अभी तो महिला वकील की सिक्योरिटी का क्वेश्चन अभी आगे आ रहा है कि वो कैसे काम करेगी। जिला न्यायालय है, तालुका प्लेस है, ग्रामीण प्लेस है, सभी जगह महिलाएं काम करने लगी है, तो इसलिए तुरंत शासन ने, पुलिस ने दखल देकर, प्रमुख न्यायाधीशों ने दखल देकर इस घटना के तरफ देखते हुए पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त उन्होंने कर देना चाहिए। देखिए, आज हमने भी कलेक्टर को, नागपुर कलेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जो हमला हुआ है वर्धा में वो बड़ा निंदनीय है, एक लेडी लॉयर पर हमला हुआ है। हम लोगों की यही डिमांड है कि जो कोर्ट्स में जो सिक्योरिटी का जो कमतरता है, जो सिक्योरिटी नहीं है, बराबर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में, नॉट ओनली इन वर्धा, नागपुर, सभी जगह कोर्ट में हम देखा जाए तो सिक्योरिटी की बहुत कमी है। यानी एक इंसान, एक आरोपी जो जिसने हमला किया है वो कोर्ट में चाकू लेके जा रहा है, इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी कम है, सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है हमारी। तो हमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जितने लॉयर्स हैं, इन लोगों की एक ही डिमांड है कि कोर्ट में जो भी आते, क्योंकि केस कैसे चलाएंगे, जब तक सिक्योरिटी नहीं रहेंगी तब तक केसेस कैसे चलाएंगे, हमले होते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। वो तो जो लॉयर थी वो लीगल एड की लॉयर थी, किसी को मदद ही कर रही थी। मैडम ने कहा कि वो हम ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है हम कमिश्नर को देंगे, फॉरवर्ड करेंगे। हमारी जो डिमांड है, हम अभी चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे, हम बार काउंसिल की तरफ से भी चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो बिल है, वो लेके जो आने वाले हैं वो अभी तक आया नहीं है। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, कलेक्टर मैडम को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये जल्द से जल्द फॉरवर्ड करें। तो उसके लिए हम लोग अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जज से भी मिलेंगे, क्योंकि एक हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन भी आया था कि कोर्ट हॉल में भी सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आज एडमिनिस्ट्रेटिव जज से मिलेंगे कि हर कोर्ट हॉल में पूरे महाराष्ट्र में, जैसा हाईकोर्ट ने ही कहा है, हम नहीं कह रहे, हाईकोर्ट ने ही कहा है, एक बार काउंसिल ने रिजोल्यूशन लिया था कि हर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए, तो सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए करके, कोर्ट हॉल में भी लगने चाहिए करके हम एक रिप्रेजेंटेशन आज एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भी देंगे। उन्होंने इस वक्त संपूर्ण घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की। वही कहा कि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और जिलाधिकारी विमला आर को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। इतरांच्या न्याय हक्कासाठी भांडणाऱ्या आणि इतरांना न्याय मिळावा यासाठी रात्रंदिवस एक करणाऱ्या, अभ्यास करणाऱ्या आणि स्वतःच्या तब्येतीकडे न पाहता स्वतःचे सगळे प्रॉब्लेम विसरून इतरांना न्याय मिळावा म्हणून धावणाऱ्या आमच्या एका वकील भगिनीवर काल अतिशय निर्घृण हल्ला झालेला आहे वर्धा कोर्टामध्ये। सगळ्यात दुःखाची बाब आहे की कोर्टाच्या आवारामध्ये, कोर्ट रूममध्ये हा हल्ला झालेला आहे आणि त्याचा आम्ही सगळ्या वकील मंडळींनी इथे तीव्र शब्दात निषेध केलेला आहे आणि तिला न्याय मिळावा याच्याकरता एक कायदा पारित व्हावा आणि त्या कायद्याअंतर्गत सगळ्या वकिलांना संरक्षण मिळावं अशी आमची मागणी आहे। या मागणीकरता आम्ही आज या ठिकाणी सगळेजण जमलो होतो आणि या हल्ल्याचा निषेध आम्ही केलेला आहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हूँ। ये जो घटना वर्धा की हुई है हमारी बहन के साथ में, योगिता मून के साथ में, ये घटना इसके पहले इसी तरह की घटना नागपुर कोर्ट में भी हो चुकी है। नागपुर कोर्ट में मर्डर तक के हो चुकी है।
और ये सिक्योरिटी के साथ में बहुत खिलवाड़ हुआ जा रहा हो रहा है बार बार हो रहा है। इसके बारे में कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर ने भी और कलेक्टर नागपुर ने भी सीरियस कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर साहिबा को हमने रिक्वेस्ट किया है कि नागपुर में भी यहाँ करीब करीब 10 से 12 हजार वकील लोग आते हैं और उनकी सुरक्षा ताक पे लग गई है। इनके सुरक्षा के कुछ भी व्यवस्था इंतजाम नहीं है। काफी दिनों से हमने सीसीटीवी की व्यवस्था के लिए भी रिक्वेस्ट किया था लेकिन आज तक के कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी सारी बहनें जो है आज खतरे में और हम खुद भी खतरे में जी रहे हैं। तो प्रशासन ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जल्द से जल्द सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।